हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा, इजी सा नीटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। टोटल 8 रो का यानी 8 सिलाई में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 4 के मल्टीपल पे लेने हैं, यानी कि चार 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 पूरी सिलाई में, चार 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 के जोड़े पे फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा, पूरी सिलाई में एक फंदा एक्स्ट्रा, बाकी सारे फंदे 4 के मल्टीपल पे। इस डिज़ाइन को आप ऑल प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। आप किसी की भी स्वेटर पे इस डिज़ाइन को बना सकते हो। जेंट्स की स्वेटर पे आप इस डिज़ाइन को डालिए, या लेडीज़ की, या बेबी प्रोजेक्ट पे। बहुत ही खूबसूरत और आसान डिज़ाइन है ये। इसकी बैक साइड है, उल्टी तरफ से ऐसे दिखाई देता है, ये इसकी फ्रंट साइड है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो फिर चलो बनाना शुरू करते हैं इसे। देखिए, मैंने इस पे 17 फंदे यानी 17 स्टिचेस रखे हैं। 16 फंदे तो मैंने डिज़ाइन के लिए रखे हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा 4 के मल्टीपल पे, 4 चक्कू 16, तो और एक फंदा एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से ये 17 फंदे, आपने भी इसी तरह से 4 के मल्टीपल पे ही फंदे रखने हैं। पहली सिलाई हम राइट साइड सीधी तरफ से हम बनाएंगे। फर्स्ट रो राइट साइड, ध्यान से देखिएगा, 8 सिलाइयों का ये टोटल डिज़ाइन है। पहला फंदा एस स्टिच है, इसे स्लिप करेंगे। इसके बाद 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे। देखिए, ये 4 फंदों का ही ये डिज़ाइन है, 3 सीधे एक स्लिप करना है। पूरी सिलाई में हमने इसी तरह से रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे बनाने हैं और एक फंदा स्लिप करना है। फर्स्ट रो हम पूरी इसी तरह से बनाएंगे, 3 फंदे सीधे और एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे। अब देखिए, लास्ट में एक फंदा बचेगा, ये हमारा एस स्टिच है, इसे हम सीधा ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो यहाँ पे बनेगी। एस स्टिच को छोड़ के 3 सीधा एक स्लिप करेंगे, फिर 3 सीधे एक स्लिप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट रो पूरी होने के बाद बैक साइड से दूसरी सिलाई, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, ये हमारा एस स्टिच है। इसके बाद 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और जो फंदा हमने स्लिप करा है पिछली सिलाई में, ये वाला फंदा देखिए, इसे अब की बार भी स्लिप करेंगे, ठीक है। तो पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। लास्ट में जो एस स्टिच बचेगा इसे उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से हमने सेकेंड रो बनानी है। अब देखिए, थर्ड रो राइट साइड, तीसरी सिलाई सीधी तरफ से कैसे बनानी है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने पूरी सिलाई बनानी है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। थर्ड रो हमने इसी तरह से बनानी है, एक उल्टा और एक सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ये हमारी थर्ड रो चल रही है। थर्ड रो हमने पूरी इसी तरह से बनानी है, एक सीधा एक उल्टा करके कंप्लीट करेंगे इसे। ये देखिए, इस तरह से हमारी थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये थर्ड रो हमारी यहाँ पे बन गई है। अब फोर्थ रो बैक साइड, चौथी सिलाई उल्टी तरफ से, पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। चौथी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट यहाँ पे हमने करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारी यहाँ पे फोर्थ रो बनेगी, चौथी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी। यहाँ पे हमारा आधा डिज़ाइन बना है, ठीक है, 4 सिलाई का आधा डिज़ाइन। 4 सिलाई हमने और लगानी है, चौथी सिलाई में हमने थोड़ा चेंज करना है। शुरू में देखिए, एस स्टिच को हम स्लिप करेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे। इसके बाद हमने पूरा फर्स्ट रो जैसे बनाना है, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, 3 सीधे 1 2 3 सीधे और एक स्लिप करना है,
फिर तीन सीधे, एक दो तीन सीधे और एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे और एक फंदा स्लिप करेंगे। इस तरह से करते करते लास्ट में हमारे दो फंदे बचेंगे, एक डिज़ाइन का है और एक एस्टिच है, दोनों को सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी फिफ्थ रो यानी पांचवी सिलाई सीधी तरफ से बुनी जाएगी। अब देखिए छठवीं सिलाई, सिक्स रो बैक साइड, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, इसके बाद एक फंदा उल्टा करेंगे, देखिए जो फंदा हमने स्लिप करा है उसे स्लिप करेंगे, इसके बाद तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे और एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे और एक फंदा स्लिप करेंगे। लास्ट में दो फंदे बचेंगे, दोनों को ही उल्टा बनाना है। यहाँ पे ये हमारी सिक्स रो बनेगी इस तरह से। आप देखिए सेवेंथ रो राइट साइड, सातवीं सिलाई सीधी तरफ से, पहला फंदा सीधा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी वैसे ही हमने सेवेंथ रो बनानी है। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, थर्ड रो और सेवेंथ रो हमने एक जैसे ही बनानी है। एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, तो इस तरह से हमने सेवेंथ रो यहाँ पे राइट साइड से बनानी है। ठीक है, अब हमारी एट रो बैक साइड, आठवीं सिलाई उल्टी तरफ से, पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है हमने। ये देखिए यहाँ पे एट रो भी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एट रो का ही फ्रेंड्स ये डिज़ाइन है। देखिए आठ सिलाई बनाने के बाद ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो, बनाने में ये बहुत आसान है और देखिए बन के भी कितना ब्यूटीफुल सा लगता है। बार बार हम इन्हीं आठ सिलाई को रिपीट करते जाएंगे तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो देखा आपने कितना ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन है और बनाने में भी कितना आसान है। तो बनाइए अपने प्रोजेक्ट पे इस डिज़ाइन को और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।